हेलो दोस्तों, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने बात करी थी आई सेंटर की और अर्नोल्ड किनेटिक थ्योरम की। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे जिसपे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अब ये जो टॉपिक हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ईएस में तो क्वेश्चन नॉर्मली मिल ही जाते हैं, इसके अलावा गेट में तो श्योर है इसका 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना ही आना है। इसलिए इस चीज को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और इसपे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जो कि पिछले गेट के आपके जो पेपर है उनमें आए हुए हैं, ठीक है। इससे बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन आपके साल होने वाले हैं अगर आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो, ठीक है। तो प्लीज टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और दोस्तों में खूब शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलता है। चलिए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। नया टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम, ठीक है। देखिए एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम कहता क्या है, ये कहता है कि अगर कोई एक मैकेनिज्म मान लीजिए जैसे आपको ये दे दिया गया और उसमें से किसी एक लिंक के इफ देयर आर नंबर ऑफ लिंक व्हिच आर कनेक्टेड बाय सम पेयर देन दे फॉर्म सम मैकेनिज्म और लिंकेज। तो उसमें से अगर किसी एक की एंगुलर वेलोसिटी दी गई है और दूसरे जो लिंक है उनकी एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाए तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी एक लिंक की वेलोसिटी दी गई है और दूसरे लिंक की वेलोसिटी पूछी जाए तो सबसे पहला काम आपका होता है कि जिसकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी दी गई है और जिस लिंक की एंगुलर वेलोसिटी पूछी जा रही है उन दोनों का कॉमन आई सेंटर निकालिए, क्लियर। तो जो कॉमन आई सेंटर होता है वो किसी फिक्स थर्ड लिंक के रिलेटिव उसकी जो वेलोसिटी होती है वो आपकी सेम होती है, मींस वो बराबर रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो उस कंडीशन में अब आप चाहे तो वेलोसिटी को एक बार एक लिंक पे मान लीजिए और दूसरी बार दूसरी लिंक पे मान लीजिए जिस लिंक पे आपको निकालना है, तो अलग अलग दोनों बार उन पॉइंट पे उस लिंक पे उस पॉइंट को मान करके आप उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे करेंगे ये। मान लीजिए आपके पास ये एक लिंक दी गई है तो सबसे पहले आप इसको देखिए तो इसका हम नंबर ऑफ आई सेंटर निकाल लेते हैं। ये 4 बार लिंक है और नंबर ऑफ आई सेंटर एन इज इक्वल टू 4 है तो आई सेंटर आप निकालना पता है आपको, एन इंटू एन माइनस 1/2 से निकालेंगे वैल्यू आ जाएगी 6। तो टोटल नंबर ऑफ आई सेंटर इसके जो है 6 हो रहे हैं। इसको डिनोट कर लेंगे, देखिए 1 और 2 को मिला के I1 2, 2 और 3 को मिला के I2 3, 3 और 4 को मिला के I3 4, 1 और 4 को मिला के I1 4, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। और बाकी के निकालने का तरीका हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है, तो ये मिलेगा आपको I1 3 और दूसरा मिलेगा I2 4, क्लियर। तो 6 जो आई सेंटर है उसको आपने डिनोट कर लिया। अब आपसे यहां दिया गया है कि जो लिंक 2 है उसके लिए आपको एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए दे दी गई और लिंक जो 4 है इसकी एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है। थ्योरम को ऐसे ही समझेंगे कि एक की एंगुलर वेलोसिटी दी गई होगी और किसी दूसरे लिंक की एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछी जाएगी और उसके साथ कुछ कंडीशंस दे दी जाती हैं। तो अगर एक की एंगुलर वेलोसिटी जिसकी दी गई है और जिसकी वेलोसिटी पूछी जा रही है तो उन दोनों लिंक का सबसे पहले करना है आपको कॉमन आई सेंटर निकालना है। तो देखिए लिंक 2 और लिंक 4 इन दोनों का कॉमन आई सेंटर आपने निकाला तो I2 4 मिला। बात क्लियर। ये जो I2 4 होगा इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो इस लिंक 2 के इस पॉइंट पे चाहे कंसीडर करिए और चाहे इस I2 4 को इस लिंक 4 के इस पॉइंट पे कंसीडर करिए, इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस थर्ड लिंक जो कि फिक्स लिंक है उसके लिए क्या होगी, सेम होगी। यानी V24 फॉर दिस लिंक 2 विद रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स लिंक एंड फॉर द लिंक 4 विद रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स लिंक विल बी सेम। अब आप जरा देखिए अगर हमें निकालना हो कि I24 की वेलोसिटी इस लिंक 2 के लिए तो आप इसको चाहें तो ऐसे भी मान सकते हैं कि इसको एक डिस्क मान लीजिए और डिस्क जो होगी उस डिस्क वाले सेक्शन पे आप इसको इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, सेंटर जैसे ले लीजिए। तो लिंक 2 के लिए अगर आप फाइंड आउट करते हैं इसको फॉर द लिंक 2 तो जो V24 होगा दिस इज फॉर द लिंक नंबर 2 विल बी इक्वल टू, अब देखिए
कि जो लिंक टू है वो लिंक वन से जुड़ रही है, और इसका आई सेंटर कहाँ है पहले ये पता करिए। विथ रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स लिंक, ये जो टू है वो उसका आई सेंटर कहाँ है, तो वो यहाँ मिला आपको आई वन टू पे। और यहां से लेकर के इस आई सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो वी टू सॉरी ओमेगा टू आई टू फोर एंड आई वन टू, ये आपकी डिस्टेंस हो गई। दिस इज फॉर द वेलोसिटी ऑफ लिंक नंबर टू। इन सिमिलर वे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है फॉर द लिंक नंबर फोर, तो आपका हो जाएगा वी टू फोर फॉर द लिंक नंबर फोर। अब देखिए फोर जो है वो वन लिंक के साथ जो फिक्स पॉइंट है उसकी रिलेटिव मोशन इस पॉइंट पे होगी, तो ये जो पॉइंट है इसके लिए आई वन फोर हो जाएगा, यहाँ आई सेंटर इसका, और इस आई सेंटर की डिस्टेंस हम उसका जो दोनों का कॉमन आई सेंटर वहां सबके देखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा फोर इंटू आई वन फोर टू आई टू फोर, या आई टू फोर टू आई वन फोर, क्योंकि उधर भी आपने वैसे लिख रखा है तो वैसे लिख देंगे आई टू फोर टू आई वन फोर। क्लियर? तो ये दोनों आपकी वेलोसिटीज यहां से फाइंड आउट हो गए टू एंड फोर की। अब इन दोनों वेलोसिटीज को आप कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ दिस वी टू फोर, इस आई सेंटर की जो वेलोसिटी होगी चाहे वो टू के लिए देखिए चाहे फोर के लिए देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू दिस थर्ड फिक्स लिंक, वो क्या होगी सेम। अब यही प्रॉपर्टी भी थी आई सेंटर की। क्लियर? तो ये चीज अगर आप देखेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा ये कि ओमेगा टू इंटू आई टू फोर टू आई वन टू इज इक्वल टू आई ओमेगा फोर इंटू आई टू फोर इंटू आई वन फोर। आप ओमेगा टू बाई फोर या फोर बाई टू जिसको निकालना है आप उसको रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को चूंकि जल्दी करना होता है तो वहां टाइम बचाने के लिए फोर को ऊपर रख लीजिए, क्योंकि फोर ही आपको फाइंड आउट करना है। दिया जाएगा ओमेगा फोर बाई ओमेगा टू इज इक्वल टू आई टू फोर आई वन टू, यहां तक की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई आई टू फोर आई वन फोर। तो यही आपका क्या है एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम है। ठीक है? अब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर इस पॉइंट को ये जो मान रहे हैं, अगर मान लीजिए ये आपका कॉमन सेंटर निकाल रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट को चाहे आप इस लिंक पे लीजिए टू पे, और चाहे इस पॉइंट को आप इस फोर लिंक पे लीजिए, इस दोनों ही लिंक के लिए इसकी जो वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स लिंक वो क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है ना? तो यही हमारा थ्योरम है और इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा ताकि हम अच्छे से क्वेश्चन को कर पाए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे ये निकला। आप यही कहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम ये है कि अगर किसी एक लिंक की एंगुलर वेलोसिटी दी गई है, दूसरे की एंगुलर वेलोसिटी पूछी जाए, तो उस कंडीशन में आप सबसे पहले उन दोनों लिंक का कॉमन आई सेंटर निकालेंगे, और वो जो कॉमन आई सेंटर होता है वो किसी थर्ड फिक्स लिंक जो कि तीसरी लिंक होगी वो फिक्स होगी, उस लिंक के रिलेटिव हमेशा सेम वेलोसिटी देगा। अब उस लिंक को उस पॉइंट आई को चाहे आप लिंक टू पे कंसीडर करिए या फिर लिंक फोर पे कंसीडर करिए, दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ आई सेंटर, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा। तो ये जो चाहे इस पे कंसीडर करिए चाहे इस पे कंसीडर करिए, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो जब भी टू के लिए निकालना है तो आप टू को देखिए इस फिक्स लिंक के साथ कहाँ जुड़ा है या फिक्स लिंक के साथ उसका संबंध कहाँ बन रहा है, तो वो आई सेंटर देखिए, तो वन और थ्री सीधे मिल गया हमें। ठीक है? अब अगर हमें फोर को देखना है वन के साथ तो कहाँ जुड़ा हुआ है, तो वन फोर भी सीधे मिल गया। अच्छा मान लीजिए इसी में अगर हमसे पूछता कि थ्री तीसरे वाले लिंक के लिए ओमेगा निकालना होता, तो ओमेगा देखिए डायरेक्टली तो नहीं जुड़ा है इस वन से, लेकिन जब आप आई सेंटर निकालेंगे तो आपको यहां मिल जाता आई वन थ्री, तो आप आई वन थ्री की डिस्टेंस इसके साथ देखते। ठीक है ना? तो पहले आपको ये देखना होगा कि जो लिंक है वो फिक्स पॉइंट पे किस तरह से आई सेंटर के साथ वो रिलेट हो रही है, उस आई सेंटर से जो कॉमन आई सेंटर की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आप लेकर के हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम मिल गया। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, आपको इससे ज्यादा समझ में आएगा, हटाते हैं इसको। ठीक है? दोनों की अलग अलग वेलोसिटी आप जो है अलग अलग लिंक पे, एक बार लिंक टू पे एक बार लिंक फोर पे लेकर के अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। क्लियर? तो गेट में आया जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दिया है ओ टू पी क्यू एंड ओ फोर, ये चार पॉइंट्स हैं, फोर बार मैकेनिज्म दी हुई है आपको। ये जो पॉइंट है यानी लिंक टू जो है
इस वाली लिंक पे, इसको आप लिंक टू, इसको वन मानिए, इसको टू मानिए, इसको थ्री मानिए, इसको फोर मानिए, तो लिंक टू जो है वो आपके 2 रेडियन पर सेकेंड के हिसाब से क्या कर रही है, रिलेटिव मोशन कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी है इसके पास। अब आपको निकालना है कि ओमेगा 4 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, यही आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन इसके साथ कंडीशन दे दी गई है, ओ टू ओ फोर की डिस्टेंस ए दी है, ओ टू और पी की डिस्टेंस भी ए है, यूनिट मीटर सेंटीमीटर किसी में भी हो सकती है। पी एंड क्यू की डिस्टेंस रूट टू ए दी गई है, पी एंड ओ सॉरी क्यू एंड ओ फोर की डिस्टेंस दी गई है रूट टू ए, यानी ये डिस्टेंस सेम है और ये डिस्टेंस सेम है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपका ओ फोर ओ टू पी की इक्वल वैल्यू जो है, इस एंगल की वैल्यू 180 डिग्री कर दी जाए। देखिए ओ फोर यहाँ है, ओ टू यहाँ है, ओ पी यहाँ है, यानी ये वाली जो वैल्यू है उसको 180 डिग्री कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में इस लिंक फोर की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, अब अगर आपने इसका फिगर ड्रा किया तो दिस विल बी लाइक एज, ये आपका हो जाएगा ओ फोर ओ टू एंड दिस इज द पी, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस इज द फिक्स पॉइंट, क्लियर। और इसकी डिस्टेंस ए है, इसकी भी डिस्टेंस ए है, इसकी दी गई रूट टू ए, इसकी दी गई है रूट टू ए, क्लियर। तो ये जो आपको दे दिया गया और इसको आपने क्या कर दिया, 180 डिग्री बना दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ ऑलरेडी। ये जो आपकी वैल्यू है इसको भी दे रखा है इसने कि ओमेगा, ये लिंक आपकी टू है, तो ओमेगा टू जो है इसकी वैल्यू दे दी गई है आपको 2 रेडियन पर सेकेंड, क्लियर। देखिए जरा इसको हमने माना लिंक वन, लिंक टू, लिंक थ्री एंड लिंक फोर। तो हमने कहा कि अगर जिस लिंक की एंगुलर वेलोसिटी दी गई हो और जिसकी पूछ रहा हो, उन दोनों का पहले हम कॉमन आई सेंटर पता करते हैं। तो टू की दी गई है और फोर की पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी नॉट द फोर पूछ नहीं रहा है, थ्री पूछ रहा है, सॉरी थ्री यानी कपलर जो पी क्यू है उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस लिंक थ्री एंड लिंक टू, क्योंकि लिंक टू की दी गई है लिंक थ्री की पूछ रहा है, तो इन दोनों का कॉमन आई सेंटर पता करना होगा। तो देखिए लिंक टू और लिंक थ्री का जो कॉमन आई सेंटर है वो हो गया आई टू थ्री, वो यही मिल गया हमें डायरेक्ट। ये आपका हो जाएगा फोर एंड थ्री है तो आई थ्री फोर, ये आपका जो पॉइंट है ये हो जाएगा आई वन फोर, और ये जो पॉइंट है आपका ये हो जाएगा आई वन टू। हमें मेन यही देखना था कि किसका पूछ रहा है और किसका दिया गया है, तो दोनों का कॉमन आई सेंटर हमने डिनोट कर दिया आई टू थ्री। अब क्या करना है कि जो लिंक हमें दी गई है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी वो जो है उस फिक्स वाली लिंक के साथ कहाँ कनेक्टेड है, तो देखिए ये जो टू वाला लिंक है ये इस लिंक फिक्स जो है वन इसके साथ इस पॉइंट पे कनेक्टेड है जिसका आई सेंटर आई वन टू दिया गया है। तो जब भी इसकी वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे इस लिंक टू के लिए, तो हम क्योंकि देखिए आई टू थ्री की वेलोसिटी चाहे वो पॉइंट टू के लिए कंसिडर करिए चाहे थ्री के लिए कंसिडर करिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स लिंक हमेशा सेम होगी। तो इसलिए अगर हम टू के लिए इसकी वेलोसिटी निकालें तो ये हो जाएगा वी टू इज इक्वल टू ओमेगा टू इन टू, ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक आई वन टू और यहां से आई टू थ्री, यानी यहां से यहां तक ये फिक्स लिंक के साथ ये इस पॉइंट पे जुड़ा था, और यहां से लेकर के जो कॉमन आई सेंटर बन रहा था वहां तक की डिस्टेंस हमने ले ली। ठीक, तो अब जरा देखिए ये दिया गया है ओमेगा टू की वैल्यू दे दी गई है आपको 2 रेडियन पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस दी गई यहां से यहां तक ए। फॉर द सिमिलर केस ओमेगा थ्री जो आपका है उसको हम देखेंगे। ठीक, लेकिन यहां पे एक थोड़ी सी वो है दिक्कत। दिक्कत क्या है कि हमें थ्री जो है डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, एन इज इक्वल टू आप लेंगे 4 × 4 − 1 / 2 यानी 6, टोटल आई सेंटर 6 बनने चाहिए, तो हमें ये देखना होगा। ठीक है, तो आई वन थ्री जो है दिस इज द वन, तो आई वन थ्री हमें डिनोट करना होगा कि वो कहां पे पड़ रहा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने ये ड्रा कर लिया इसको, दिस इज 1 2 3 एंड 4,
क्लियर, क्योंकि थ्री जो है डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इस लिंक वन से, फिक्स लिंक से, इसलिए हमें इसको देखना पड़ेगा कि आई वन थ्री कहाँ लाई कर रहा है। तो आई वन थ्री में निकालना है तो हम वन टू और अब वन थ्री टू थ्री को देखेंगे। तो दिस इज द वन टू, ये हो गया आपका, और टू थ्री आपका कहाँ गया, दिस इज द टू थ्री। तो वन टू टू थ्री ये लाइन है, इसको आगे पीछे बढ़ा दें, देखिए यहाँ से मिला आई वन टू और ये मिला आपको आई टू थ्री, तो वन टू टू थ्री से बनेगा ये। तो वन टू यहाँ मिला, टू थ्री यहाँ मिला, इसको हमने आगे पीछे ऐसे बढ़ा दिया। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे तो आई वन फोर और आई थ्री फोर, वन फोर कहाँ है, दिस इज द थ्री फोर, वन फोर आपका यहाँ है, इस लाइन को यहाँ से ऐसे बढ़ा दिया। तो ये लाइन, चूंकि इधर वाली लाइन ऐसे आएगी, इधर वाली लाइन ऐसे आएगी, तो इस पॉइंट पे काटेंगे, जिस पॉइंट पे कट करेंगे यानी आई वन फोर है, तो आई वन फोर वाली जगह पर ही आपको आई वन थ्री भी मिल जाएगा। बात को समझ में आ रही होगी शायद, ठीक है। तो आई वन थ्री भी आपका कहाँ लाई कर रहा है, जहां पे आई वन फोर लाई कर रहा है, इसलिए ओमेगा थ्री जब आप निकालेंगे तो आई वन थ्री से आई टू थ्री की डिस्टेंस लेंगे और ओमेगा थ्री को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आई वन थ्री और आई टू थ्री ये हो गया, तो ओमेगा थ्री आपको निकालना है। और ये जो डिस्टेंस है वन थ्री टू थ्री तक, यहां से यहां तक देखिए, ये डिस्टेंस आपकी ए है और ये भी ए है, तो टोटल डिस्टेंस हो गई टू ए। तो ये आपका वी टू एंड वी थ्री इक्वल है, इसलिए ये हो जाएगा वी टू इक्वल टू वी थ्री एंड दिस इज इक्वल टू टू ए एंड दैट इज ओमेगा थ्री इंटू टू ए, टू ए कैंसिल आउट, दिस ओमेगा थ्री इज इक्वल टू वन रेडियन पर सेकेंड, दैट इज द आंसर। यही आपका आंसर हो गया, तो समझ में शायद आया होगा, ठीक है। क्योंकि हमें बस यही देखना होता है, जिसकी लिंक निकालनी है, जिस लिंक की एंगुलर वेलोसिटी वो फिक्स लिंक के साथ कहाँ कनेक्टेड हो रही है, उसका आई सेंटर फिक्स लिंक के साथ कहाँ बन रहा है, किस पॉइंट पे बन रहा है, वहां से लेकर के आपको डिस्टेंस मिलानी होती है जहां तक उसका कॉमन आई सेंटर मिल रहा है, ठीक। तो ये आपको इस तरीके से निकल गया, क्योंकि आपका वन थ्री डायरेक्टली मिल नहीं जाता, इसलिए हम इस टेक्निक को लगा करके निकाल लेंगे, क्लियर। अब देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल, इसको हटाते हैं। सेकेंड आपका जो न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कि आपको इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस लिंक वन टू थ्री एंड फोर, ये आपकी फोर लिंक है, इसने कहा कि लिंक ए भी जो है उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी वन रेडियन पर सेकेंड दे दी गई है। लिंक फोर जो है यानी सी डी जो लिंक है, इसके लिए आपको एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। बात को समझ लीजिए, तो आप क्या कहते हैं कि जो टू एंड फोर है उन दोनों को मिला करके जब आप देखते हैं तो आपको कॉमन आई सेंटर जो मिलेगा, इस तरह से निकालेंगे तो आई टू फोर ये हो गया। आपको डिस्टेंस कौन सी दी गई है, इसकी लेंथ ये भी है तो इस सीडी की लेंथ 1.5 टाइम्स आप ये भी दी गई है। तो आप कहते हैं कि जो कॉमन आई सेंटर होता है, अब ये कैसे निकला ये तो आप पता ही कर लेंगे, क्योंकि तरीका वही है, आप गोला बनाएंगे और इसको वन टू थ्री फोर डिनोट करेंगे, उसी से आप इसको निकाल लेंगे। चलिए मैं बता भी देता हूँ, ठीक है। आपने ये गोला बना लिया सर्किल और इस तरीके से डिनोट करिए वन टू थ्री एंड फोर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द टू एंड फोर, बिकॉज टू की दी गई है, फोर की आपसे पूछी जा रही है एंगुलर वेलोसिटी, तो टू एंड फोर पे फोकस करिए, इसलिए जल्दी हो जाएगा। तो टू एंड फोर देखिए, तो टू एंड फोर में आपका एक तो मिला आई वन टू, दूसरा मिला आपका आई वन फोर। तो आई वन टू और वन फोर को देखिए जरा, वन टू दिस इज आई वन फोर, आई वन टू थ्री एंड दिस इज द आई थ्री फोर। तो आपको निकालना है आई वन टू और आई वन फोर, तो वन टू वन फोर ये दोनों लाइन थी, हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। दूसरी वैल्यू आप देखोगे तो ये निकलेगी आई थ्री फोर एंड आई टू थ्री, तो ये हो गया टू थ्री, ये हो गया थ्री फोर, इस लाइन को भी आपने आगे बढ़ा दिया, जिस पॉइंट पे इन्होंने कट किया आपका आई टू फोर मिल गया। अब अगर मान लीजिए आई टू फोर जो है इसकी वेलोसिटी इस लिंक के लिए देखते हैं तो डिस्टेंस नहीं दी गई है यहां से, इस लिंक के लिए देखते हैं तब भी इसके लिए भी डिस्टेंस नहीं दी गई है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपने थ्योरम में क्या कहा था, ये जो वेलोसिटी इस पॉइंट की होगी वो इस लिंक के लिए, चाहे इस लिंक के लिए, इस रिलेटिव जो ये थर्ड फिक्स लिंक है उसके लिए सेम होगी, चाहे आप इस पॉइंट को यहां कंसीडर करिए इस लिंक पे और चाहे इस लिंक पे कंसीडर करिए। तो सीधी सी बात है कि अगर आप एक बार लिंक बी पे कंसीडर कर रहे हैं तो इस पॉइंट के लिए चूंकि इधर घूम रहा है, जिसकी वेलोसिटी एंगुलर इधर हो जाएगी वी बी सॉरी, और अगर इसके लिए कंसीडर कर रहे हैं सॉरी इसके लिए कंसीडर कर रहे हैं तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी इधर हो जाएगी वी सी, ठीक है।
और दोनों चूंकि एक ही डायरेक्शन में हो रही हैं, तो इस आई सेंटर के हिसाब से चाहे इस पे कंसीडर करिए चाहे इस पे कंसीडर करिए, वेलोसिटी दोनों की क्या होगी? सेम। तो वी बी अगर आप निकालेंगे तो दिस वी बी इज इक्वल टू वी सी होनी चाहिए, ठीक है? तो इसके हिसाब से आप जरा देखिए, तो यहां से आ जाएगा वी बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जब निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस आई सेंटर टू दिस पॉइंट वो आप रखेंगे, तो आपको दिया गया है मान लीजिए ए बी लेंथ है इनटू आपको दे दी गई है कितनी 1 रेडियन पर सेकंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी। सी के लिए चूंकि निकालना है तो आप इसको लिखेंगे 1.5 टाइम्स ऑफ ए बी, ये कहा गया है इसकी डिस्टेंस सी बी की, और ये आप लिखेंगे इसकी वेलोसिटी, चूंकि फाइंड आउट करना है तो ओमेगा सी आपने लिख लिया, तो यहां से ए बी कैंसिल आउट हो गया, दिस ओमेगा सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.5, दिस दिस इज 2/3, तो दिस ओमेगा इज इक्वल टू 2/3 रेडियन पर सेकेंड। बस आपको सिर्फ थ्योरम ध्यान में रखनी है, अगर आपको थ्योरम क्लियर हो रही है, थ्योरम समझ में आ रही है, तो आप बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? दो ही चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ जैसे दिया गया था, अगर ये डिस्टेंस नहीं मिल रही थी तो आप सीधे इस पॉइंट को यहाँ मानिए, एक बार इस पॉइंट पे मानिए, और दोनों वेलोसिटी सेम होंगी अपने इस आई सेंटर के अबाउट जो कि फिक्स पॉइंट पे है, ठीक? तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए प्रैक्टिस करिए, अगर आपको लगता है कि और क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो हम और भी बना करके आपको प्रोवाइड करा देंगे वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन भी दबाइएगा ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और आपको एक बार फिर से हैप्पी दीपावली।